डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो। सो इन क्लास 9th व्हाट यू हैव स्टडीड माय डियर स्टूडेंट्स, यस टू यू स्टडीड अबाउट द लोकेट, टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। There was a x-axis, there was a y-axis, the distance from a point from the y-axis is x-coordinate, और x-coordinate को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्साइसा। The distance of point from the x-axis is called the y-coordinate or we call it ordinate. अच्छा, ये तो हमको सबको मालूम है, चलो। लेकिन एक बात बताओ, या एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा ना, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को? एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। ठीक है, ये जरा नोट कर लो, एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपन। जिसको भी अभी कुछ आइडिया लेना है, थोड़ा अच्छा रिवीजन करना है, वो सारे ये पॉइंट्स दे रखे हैं एग्जांपल के, 4 8 3 9 3 8 1 6 सारे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकता है। अच्छा, एक बात मुझे सारे बच्चे बता दो, अपने जब x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ा था ना, तो ये मान लिया ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ, ओरिजिन जो होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, जल्दी बता दो। उसका कोऑर्डिनेट है 0 0। ठीक है, इधर x वाला पॉजिटिव है, इधर y वाला पॉजिटिव है, इधर x क्या है, नेगेटिव है, और इधर y क्या है, नेगेटिव है। तो चार क्वाड्रेंट में हमने बांटा हुआ है, अपने नाइन्थ की बात कर रहा हूं, मैं टेंथ की बात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी सभी को नाइन्थ का रिवीजन कर रहा हूं। मैं फोर क्वाड्रेंट्स में हमने इसको एक्सिस को डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक बार जरा देख लो, इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ सकती है, और सीधे आ जाइए वापस बुक की ओर, और यहाँ आ जाओ। यहाँ हमने पहले एक लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा आती है, वैसे इसका पावर 1 होता है, स्क्वायर नहीं होता, केवल 1। ठीक है, तो 1 पावर वाली को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। जो सेकंड वाली है, पावर 2 वाली, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है क्या, तो कैसा होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला कैसा होता है ये बताओ, ऐसा होता है पैराबोला, ऐसा होता है या ऐसा होता है ना, पैराबोला। चलिए, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये कुछ एग्जांपल दे रखा है, पाइथागोरस से भी अपन डिस्टेंस निकालते हैं। चलो, सबसे पहले ये एक बार कोऑर्डिनेट्स के बारे में वापस बताइए, ये जो पॉइंट सी है इसका कोऑर्डिनेट जरा देखो एक बार, ऐसे ही अपने रिविजन करें। पहला इसका कोऑर्डिनेट 0 3, एक्सिस कौन सा है, वाई, एक्स 0। ये क्या है, 0 8, एक्सिस कौन सा है,
y 0, x की वैल्यू, ये x एक्सिस y की वैल्यू 0, ये भी x एक्सिस y की, थोड़ा अपन ने रिवीजन किया। अब आ जाए डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और दूसरा है एक्स टू और वाई टू। अब हमारे फॉर्मूले पे मारे एनी टू कोऑर्डिनेट्स, उसके बीच में लाइन खींची हुई है या उसके बीच की डिस्टेंस को निकालना है। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया है एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले का एज्यूम कर लिया एक्स टू वाई टू। फॉर्मूला कम टू द फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर कम। एवरीबडी राइट द फॉर्मूला, सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे, सभी लिखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका कर दीजिए अंडर रूट। कर दिया, सभी को फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया, जरा x1 माइनस x2 करूं तो गलत हो जाएगा क्या? मुझे क्या मालूम है कौन सा x2 और कौन सा x1 है। तो इसका आंसर ये है कि आप किसी को भी x2 x1 मान सकते हो, चलेगा। तो ये भी फॉर्मूला सही है और ये भी फॉर्मूला सही है। x2 माइनस x1 भी कर सकते हो और x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, ठीक है। और मान लिया अगर आपको कहे कि कोई ओरिजिन से निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो हमको मालूम है क्या, जीरो जीरो। तो जब जीरो जीरो से निकालना होगा ना तो क्या फॉर्मूला आएगा पी क्यू, यानी या तो ओ मान लो इसको, तो ये हो जाएगा एक्स वन या एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो तीन फॉर्मूले याद कर लो, जरा जल्दी जल्दी आ जाओ। फॉर्मूला नंबर वन एक्स टू माइनस है डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी को दूसरा ओरिजिन से ये वाला फॉर्मूला, तीसरा हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा उल्टा क्यों लिख सकते हैं, यहाँ लिखा वाई, उल्टा क्यों लिख सकते हैं, गलती होना चाहिए नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, हैं? अगर मान लिया अंदर माइनस है तो बाहर आके प्लस बन जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों फॉर्मूले याद हो गए, बस अब कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इतना सा है ये। चलो आ जाओ अब करते हैं कैलकुलेशन, ओनली एंड ओनली कैलकुलेशंस का खेल है। लेकिन सारे बच्चे मेरे साथ सारे एग्जाम्पल करेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड आउट द डू द पॉइंट्स 3, 2, 2, 3 and 2, 3 फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म। तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीन ट्राइंगल के पॉइंट हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, क्या ये ए है, ये सॉरी पी कर लो इसको, इसको मान लीजिए पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। और पी के कोऑर्डिनेट्स, वाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। सबसे पहले निकालिए पी क्यू, एक्स वन माइनस एक्स टू निकालिए, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई टू माइनस वाई वन करिए। ये माइनस का ध्यान रखिए, थ्री एक्स वन है और एक्स टू माइनस टू है, तो यहाँ बाहर भी माइनस है, तो अंदर जाके क्या बन गया वो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, करिए
करिए, सॉल्व कीजिए, ये भी हो गया प्लस, ये बन गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50, पी क्यू इज इक्वल टू, चलो क्यू आर करो फटाफट, क्यू आर क्या आ रहा है, -2 -2 कहाँ से आया, एक्स दिस -X3 -Y2 सॉरी हाँ -2 -2 और ये y1 इसके लिए y1 -y2 तो -3 -3 चलो यस करो, ये तो मैंने आपके लिए कर रखे, लेकिन आप मेरे साथ करिए, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी आपको अगर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चंस जरूर करना है। अब ये अंदर -4 था, बाहर जाके पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये आंसर आया अंडर रूट 52। पीआर निकालिए, पीआर भी निकाल लिया, आंसर आया अंडर रूट 2। अब हमने देखा कि ये एक तो 50 आ रहा है, एक 52 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो ये कुछ एडिशन मामला हो रहा है, इसका मतलब तो ये एक फॉर्मूले में फिट हो रहा है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको क्या आंसर आ गया, जल्दी से देखो बच्चों, दिस इज डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर द पी क्यू आर फॉर्म ए ट्राइंगल एंड दिस ऑल्सो द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, अभी तो एग्जाम्पल की चल रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते जाएंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, 4 पॉइंट दिए हुए हैं और पूछा है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, क्या क्या होना चाहिए, स्क्वायर का वर्टिस का क्या कंडीशन है बताओ। अगर कोई चीज स्क्वायर है तो क्या कंडीशन है, चारों 4 साइड शुड बी इक्वल, ये तो ठीक है, वो तो समचतुर्भुज में भी हो सकता है, रोम्बस में भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन और है, द डायगोनल शुड ऑल्सो बी इक्वल, अगर ऑल द 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर सेम, ऑल द 4 साइड्स आर सेम एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम, देन वी कैन से इट इज ए स्क्वायर। कम ये निकालिए, ऑल द पॉइंट्स, नाउ कम ए बी निकालिए जल्दी जल्दी, ए बी फॉर्म 34, बी सी 34 अंडर रूट, सी डी अंडर रूट 34, डी ए भी निकालिए, डी ए कितना है, -4 -1, तो -4 -1 यानी 5 का स्क्वायर, और 4 -7 कितना हुआ बच्चों, 3 यानी 9, 3 का स्क्वायर, तो ये भी आ रहा है 25 + 9 अंडर रूट 34 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर निकालिए ए सी, ए और सी अंडर रूट 68, फिर निकालिए बी डी, क्या आ गया आंसर, ऑल द 4 साइड्स आर सेम एंड डायगोनल्स आर सेम, सो इट इज ए क्या बोलोगे, इट इज ए स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, फिगर 7.6,
shows the arrangement of the desk in the classroom. Ashima, Bharati and Kamila are seated at point this. यहां पर बैठी है फर्स्ट नंबर पे अशीमा, इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए बच्चों, 3 and 1 सही है क्या? कोऑर्डिनेट्स निकालो, देव दिया हुआ भी ओके दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 6 and 4 यहां निकाल भी सकते हैं अपन 6 and 4 और सी कैमिला 8 and 6। चलिए अब हमको क्या देखना है कि ये कैसे बैठी है, सीधी लाइन में बैठी है क्या, स्ट्रेट लाइन में बैठी है क्या? अगर स्ट्रेट लाइन में बैठी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ? इफ दे आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन तो क्या होना चाहिए? अगर मान लिया देर इज ए स्ट्रेट लाइन, यहां पर बैठी है ए, यहां पर बैठा है बी, यहां पर बैठा है सी, तो होना चाहिए ए बी प्लस बी सी, बी सी बराबर ए सी अगर हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में। जरा देखते हैं, सबसे पहले हमने ए बी निकाला अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को मैंने ऐसे लिखने का स्टाइल है मेरा, आप भी लिख सकते हो, 9 into 2 क्या बन गया 3 root 2 लिख सकते हैं ना, 9 into 2। बी सी आया अंडर रूट 8, उसको मैंने लिखा 4 into 2 का अंडर रूट, तो ये बन गया 2 root 2। ए सी जरा निकाला, ए सी निकाला तो ये आ गया अंडर रूट 50, इसको मैंने लिखा 25 root 2, ये बन गया 5 root 2, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तो 3 root 2 प्लस 2 root 2 इज इक्वल टू 5 root 2 इज इक्वल टू ए सी। क्या मतलब है, क्या मतलब है ये? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी आ रहा है इसका मतलब दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर, क्या बोलोगे, कोलिनियर, दे आर सीटेड इन ए लाइन। सभी को ये कन्वर्ट करना भी आया, ये एग्जाम्पल सभी बच्चे एग्जाम्पल्स जरूर जरूर सीखना, एग्जाम्पल से बहुत आइडिया लगता है बच्चों, लेकिन एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन को सामने रख के हमको खुद से सॉल्व करना चाहिए। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आओ जरा, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। इक्विडिस्टेंस, दिस इज ए पॉइंट ए एंड बी और ये इक्विडिस्टेंट है, मान लिया इक्विडिस्टेंस है ना, मान लिया एक पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट पी, दिस इज ए मान लिया, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर पी, इक्विडिस्टेंट। देन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए पी इज इक्वल टू बी पी, बस, और ए पी मेरे पी मेरे पास एक्स वाई है, तो हो जाएगा एक्स माइनस 7 square y-1 एक्स माइनस 3 square y-5। इसको जरा लिखो स्क्वायरिंग, यहां लिखना एक लाइन स्क्वायरिंग, सभी लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखना चाहिए। ये हमने अंडर रूट हटा दिया, इसको मैंने होल स्क्वायर को खोली, आप भी खोली होल स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, फिर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया इधर से इधर, सिंप्लीफाई किया, आप भी करिए। नाउ आई गॉट दिस इक्वेशन, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो जरा, इसमें माइनस 8 कॉमन ले लो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा रिलेशन आ गया। बुक में नहीं देखना है, अपने आप से दिमाग लगाते हुए सॉल्व करना है, बहुत इजी है। मैं थोड़ा धीमे चल रहा हूं, इंटेलिजेंट बच्चों को लग रहा होगा कि सर बहुत धीमे चल रहे हैं,
लेकिन मैं आप सभी के लिए धीमे चल रहा हूं, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, और सभी जने फिर बाद में अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 5, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड वाई, निकाल लीजिए बस, इक्विडिस्टेंट है, इस 0 वाई को इक्विडिस्टेंस करके निकालो फॉर्मूला, क्या बड़ी बात है। ये मेरे पास ए और बी है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट 0 वाई है, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास वाई इज इक्वल टू 9 आ गया, माई कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड 9। एनी प्रॉब्लम? सिंपल क्वेश्चंस, आई थिंक नाउ द एक्सरसाइज विल स्टार्ट। सभी लोगों ने एग्जाम्पल सभी लोगों ने कर लिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू ऑल द एग्जाम्पल्स, एंड दोज हु आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन डू द एक्सरसाइज 7.1 टू ऑल क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सपोर्ट, डू इट योरसेल्फ, फाइंड आउट द आंसर, एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम देन रन द वीडियो, यू विल सी what are the mistakes you have done. Exercise 7.1, find the distance, nikaliye jaldi jaldi, ab fast karunga main, ab thoda speed tez rahegi. Yes, a and b, ab is equal to x1 minus x2, y2 minus y1, y1 माइनस y2 कैसे भी करो, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 पर 2 रूट 2 आंसर। सेकेंड माइनस 5 7 माइनस 3 1, तो माइनस 5 प्लस 1 ये प्लस बन गया, बिकॉज माइनस 5 माइनस माइनस 1, ये ध्यान रखो ये कैसे मैंने प्लस आया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 7 माइनस 3, ठीक है ये बन गया माइनस 4 का स्क्वायर, लेकिन मैं डायरेक्ट 16 लिखा है, माइनस स्क्वायर की वजह से हट गया, आंसर इज 32, 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, आंसर आ गया 4√2। फास्ट, ए एंड बी माइनस एंड बी, तो ये बन गया ए प्लस है, क्योंकि ए माइनस माइनस है तो ए प्लस है, और ये बी माइनस है तो बी प्लस बी, तो ये बन गया नाउ 2a का स्क्वायर और ये बन गया 2b का स्क्वायर, क्या बना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, आंसर इज थोड़ा अब गाड़ी तेज चली है, अब सभी को कुछ लगा है कि हाँ अब मजा आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 0 0 दैट इज ओरिजिन। फॉर्मूला, फॉर्मूला पी क्यू इज इक्वल टू या ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करिए 36 का स्क्वायर करिए, अब थोड़ा कैलकुलेशन ये वाली करनी पड़ेगी, फॉर्मूला तो आ गया लेकिन बेसिक 6 7 8 वाला पढ़ाई करना पड़ेगा। सो वी गॉट दिस, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस 15 21, यू आर गेटिंग आंसर 39। ओके, determine if the points 1, 5, 2, 3 and do this is collinear. Collinear. क्या condition है collinear के लिए? बताओ, सबको आता है? क्या condition है बच्चों? AB plus BC is equal to, अगर AC आ जाए, हम समझ लेंगे कि ये collinear है। AB under root 5, BC under root 212, CA under root 265, these are not same sir, AB plus BC is not equal to CA, so these are not collinear.
दीज आर नॉट कोलिनियर. क्वेश्चन नंबर फोर, चेक दीज वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्कील ट्राइंगल. आइसोस्कील, आइसोस्कील द टू साइड्स शुड बी इक्वल. मेक द डायग्राम, मेक द डायग्राम ए बी एंड सी. नाउ वी हैव टू प्रूव एनी ऑफ द टू साइड्स, एनी ऑफ द, सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द थ्री डिस्टेंसेस. ए बी, ए बी इज अंडर रूट 37. निकालिए आप सभी लोग, कोई भी बच्चा बिना कैलकुलेशन के नहीं बैठेगा, बिकॉज मेजर मिस्टेक कैलकुलेशन में होने वाली है. बी सी 37, दो तो सेम हो गई, और सी ए अंडर रूट 2, कोई बात नहीं. ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, इसका मतलब दिस इज एन आइसोस्कील ट्राइंगल. कैलकुलेशन एनीबडी, किसी को डाउट है तो देख सकता है. दिस इज योर 1 का स्क्वायर, दिस इज योर -6 स्क्वायर. -6 का स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव 36. दिस इज अगेन 1, दिस इज 6, दिस इज 2, और ये कट जाएगा तो -2 प्लस 2 ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आएगा. ये 2 का स्क्वायर है सर, ये गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे लोग. ये अंडर रूट 2 नहीं, 2 आएगा, 2 आएगा. थोड़ी गलती हो गई, देखो स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा दिख रहा है. इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन ए बी सी डी. चंपा एंड चमेली वॉक्ड इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर. चमेली डिसएग्रीज. सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. चलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बताइए, डी के कोऑर्डिनेट बताओ. सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट है 6 and 1, सही है. सी के बताओ 9 and 4, ओके. डी बी के बताओ दिस इज योर 6 and 7. किसी को डाउट हो देख लो, ग्राफ को देखो, और ए को ले लो 2 and 4. सबसे पहले क्या करिए, कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए. कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए, उसके बाद एक स्क्वायर का फोटो बना लीजिए, फिगर बना लीजिए. फिर क्या करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए सब निकाल लीजिए. फिर क्या करना है, डायगोनल्स भी निकाल लीजिए, हो जाएगा काम. करिए, बस इतनी सी तो बात है. ए बी 18 आया, इसको मैंने लिखा 3√2. कैसे लिखा बार बार बताना पड़ेगा, 9 × 2. बी सी, बी सी 3√2. सी डी और ए डी निकालो जरा. हाँ, शुड आई सी डी 9 4 6 1, 9 and 4 and 6 and 1, तो ये हो जाएगा 9 − 6 3 का स्क्वायर, 4 − 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो 9 + 9 = 18, 3√2. निकालो फास्ट. ए डी भी निकालिए. नाउ बी, बी डी एंड ए सी निकालिए. बी डी एंड ए सी डायगोनल्स, डायगोनल्स आर ऑल्सो सेम, इट इज, सो इट इज ए स्क्वायर. तो हु इज राइट, चंपा इज राइट ना, है ना, चंपा इज राइट, चंपा इज राइट, बिकॉज चंपा ऑब्जर्व दैट इट इज ए स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड. अभी आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी में अलग अलग दिए हुए हैं. अभी आप उनको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, फिर जरा देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. इफ ऑल द 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल तो क्या बोलोगे, सर इट इज स्क्वायर. इफ द 2 साइड्स आर सेम एंड डायगोनल्स आर सेम, इट इज ए रेक्टेंगल. इफ द ओनली 2 साइड्स आर सेम बट डायगोनल्स आर नॉट सेम,
इट इज ए पैरेललोग्राम. इफ ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल इट विल बी ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन ये निकालिए. ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी एंड बी डी. ये तो स्क्वायर हो रहा भैया, ये तो स्क्वायर है भाई. निकालो सब बच्चे कैलकुलेशन. ए बी निकालो, निकालिए पहला वाला क्वेश्चन कीजिए सभी. ए बी टू रूट टू बी सी टू रूट टू सी डी एंड डी ए. नाउ ए सी, ये माइनस माइनस का बहुत ध्यान रखना सब बच्चों. ये माइनस, ये जीरो कट गया, ये माइनस का फोर का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 फोर. सभी बच्चे करो. सो इट इज ए स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है निकालिए. ए बी अंडर 52, बी सी ये तो चेंज हो गया, सी डी ये भी अलग है, एंड डी ए ऑल द फोर साइड्स आर डिफरेंट. तो क्या ये व्हाट इज दिस निकालिए. सो इट इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल. क्लियर, ऑल द फोर साइड्स आर नॉट इक्वल. क्वेश्चन नंबर थ्री. ए बी बी सी ये भी अलग है, सी डी अच्छा दो सेम है, एंड डी ए टू साइड्स आर सेम. अब डायगोनल्स विचरा करते हैं. नाउ टेक डायगोनल्स. डायगोनल्स में एक तो ए सी इज इक्वल टू टू है. डायगोनल्स आर नॉट सेम, साइड्स आर सेम, नहीं टू साइड्स आर सेम, टू साइड्स आर सेम, टू टू साइड्स आर सेम बट डायगोनल्स आर नॉट सेम. सो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, इट इज ए क्या है, इट इज ए पैरेललोग्राम. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ना, तो कर लोगे. थोड़ा समझ में आ रहा है, मजा भी है. ऑल अटेम्प्ट ऑल सिंपल, जिसको देखो इसको मैथमेटिक्स में क्या है, डू द क्वेश्चंस, करते चले जाओ करते चले जाओ. डू इट फॉर वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, डू ऑल द कैलकुलेशंस, डू ऑल द क्वेश्चंस. आपको ऐसा लगेगा सर अभी मेरे को एकदम ग्रेजुअली सब कुछ आ गया, परफेक्शन हो गया मेरे को. क्वेश्चन नंबर सेवन. Find the point on the x-axis which is equidistant from this x-axis. x-axis y is equal to 0, है ना, x-axis y is equal to 0, तो value क्या लेना है, x and 0, है ना, ये लेना है ना. चलो equidistant करो, करो equidistant. ये x is equal to, ये ध्यान रखना कभी कभी, x-axis पे y is equal to 0 और y-axis पे x is equal to 0 है, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना, है ना, प्रैक्टिकल करके देखना कि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ वाई एक्सिस है यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है. इक्विडिस्टेंस निकालो, ये मैंने मान लिया. एओ हमको क्या प्रूव करना, एओ इज इक्वल टू ओबी, करिए एओ निकालिए, ओ बी निकालिए, दोनों को इक्वल रखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया. दोनों को खोलिए, होल स्क्वायर खोलिए सभी. फोर माइनस सभी को आना चाहिए, फोर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस करो सभी बच्चे, क्योंकि अभी टेंथ क्लास में हो आप, ये जो बातें हैं वो सेवन्थ और एट्थ की है. किसी की पुरानी वीकनेस है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो पुरानी वीकनेस भी निकल जाएगी. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या आ गया, माइनस एट एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस सेवन. सो द कोऑर्डिनेट्स आर माइनस सेवन एंड जीरो. आ गया, ये क्वेश्चन भी सभी लोगों ने कर लिया. क्वेश्चन नंबर एट करिए.
फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10 यूनिट्स. ओके, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है. ये दो पॉइंट दे रखे हैं, पी एंड क्यू. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू 10 रख देना. यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल वाई है, सो आई हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब जरा ये क्या बन जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. इसलिए सारा खेल कैलकुलेशंस का, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा नहीं, सभी करेंगे तो अच्छा लगेगा. 27 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 9 × 3 कर दें. बिल्कुल ठीक है. ओके, सो y इज इक्वल टू आइदर 3 और y इज इक्वल टू आइदर 9. y इज इक्वल टू 3 बिकॉज वी आर पुटिंग y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 9. अगला क्वेश्चन करें. इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. बड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों. ये q आ गया, ये मेरा p है, ये मेरा r है. पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर करो. चलो रखो फॉर्मूले में, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो x इज इक्वल टू आ रहा है प्लस माइनस 4 लिखना. क्या लिखोगे, तो पॉइंट ऑफ r विल बी, क्या लिखोगे, यहाँ r जो है ना, क्या आ गया, 4 और 6 भी हो सकता है और माइनस 4 और 6 भी हो सकता है. x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई, तो r के कोऑर्डिनेट्स 2 आ गए. अभी कुछ पूछा है क्या इन्होंने, ओके और पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर. ये है खास क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं अरे ये तो हो गया, नहीं अधूरा हुआ. ओके, लेकिन जब हम निकालेंगे ना पी आर क्यू आर, तो पहले आर को हम यहां हम मान रहे हैं, आर को माना हमने फॉर आर इज इक्वल टू 4 6, पहले इसका निकालेंगे. तो मैंने निकाला क्यू आर, मैंने निकाला पी आर. नाउ फॉर आर इज इक्वल टू माइनस 4 and 6, फिर वापस निकालिए क्यू आर एंड पी आर. ये हुई कुछ बात, ये मेरा पूरा क्वेश्चन हुआ. सभी बच्चे देख लें और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे. जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा से करेगा. आर की दो वैल्यू आ गई, फॉर आर इज इक्वल टू दिस, क्यू आर निकाला, पी आर निकाला, फॉर आर इज इक्वल टू दिस, हमने क्यू आर और पी आर निकाला. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस. वेरी सिंपल, करो जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा है. इक्विडिस्टेंस पी ए इक्वल टू पी बी रखिए फॉर्मूले में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, होल स्क्वायर खोलिए, खोले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कटा, सिंप्लीफाई किया, इसको इसमें से माइनस 4 कॉमन आ सक रहा है. वी कैन टेक माइनस 4 एज अ कॉमन, सो फाइनली वी आर गेटिंग रिलेशन दिस एक्स एंड वाई, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट. बट नाउ इफ यू हैव वॉच द वीडियो बट यू हैव नॉट डन द ऑल द क्वेश्चंस, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अगेन पॉज द वीडियो एंड डू ऑल द क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स अगेन. Then I will teach you the next topic. Next topic is section formula, where we are dividing the line between two sections, two parts, two ratios.
अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, एंड ए पॉइंट इज डिवाइडिंग पी, पी इज डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू रेशियो एम वन अपॉन एम टू, एनी रेशियो, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एंड दैट इज द टॉपिक दैट वी विल study in our next class, where we will study this formula. So be ready, ye formula section formula hum padhenge, and we will do the examples and we will do exercise 7.2 also in the next class. So be ready. सभी बच्चे अभी तक का काम खत्म करेंगे और नेक्स्ट का प्रिपरेशन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे. ओके बच्चों, ठीक है.